पाकिस्तान शॉक्ड, शर्म करो भारत, बहुत जल्द पेट्रोल मुक्त मुक्त बने जा रहा है, मुक्त बने जा रहा है, पेट्रोल मुक्त बने जा रहा है। चले देखते हैं क्या वीडियो। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये कोई आम छोटी बात नहीं है कि कोई मुल्क ये कहे कि हम जो है अगले 5 साल के बाद तो हम पेट्रोल यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे, हमें नहीं चाहिए होगा ये। और इसके ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी इसको रिपोर्ट किया है, जिस पे इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 5 ईयर्स में इंडिया का जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगले 5 सालों में इंडिया को पेट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी, इंडिया पेट्रोल की जगह ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करेगा। अगर 2027 तक इंडिया ऐसा कर पाता है तो जियोपॉलिटिकल क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कब ये डॉलर की फ्लाइट खत्म होगी और अंदर आने शुरू होंगे, बेड़ा तो गर्क कर दिया हर चीज का। अगर उन्होंने 5 ईयर्स कहा है तो उसका मतलब है कि उनके पास ये प्लान मौजूद है कि किस तरीके से वो उस पर कन्वर्ट हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया पर इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ब्लूमबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बड़े आराम से लिख रहा है 275 रुपीज 1 डॉलर इन पाकिस्तान। क्या लगता है इंडिया ऐसा कर पाएगा? इंडिया ऐसे कर पाएगा, वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी हुई है। ये मेरे लिए दुनिया का वाहद मुल्क होगा यहाँ 4-5 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ना, खबर ही नहीं रही, ये हद है बेहिसी की। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उन्होंने ये सोचा और प्लान किया और पूरा जो है उसका मैपिंग कर ली है कि हम इतने सालों में ये कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत में आने वाले समय में पेट्रोल की जरूरत बिल्कुल ही समाप्त होने पर कितना हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाना जाता है। उनका एक बयान इन दिनों पाकिस्तान में सुर्खियां बना हुआ है। गडकरी ने कहा है कि ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में पेट्रोल की जरूरत समाप्त कर देंगे। उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ सालों बाद देश में कार ही नहीं बल्कि स्कूटर भी ग्रीन हाइड्रोजन CNG या LNG से चलेंगे। उन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में देश में पेट्रोल कारें बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी और तब हमें पेट्रोल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हर रोज डॉलर के ऊपर जाने से और पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने की तरफ तेजी से लेकर जा रहे हैं और पाकिस्तानी जनता त्राही त्राही कर रही है। जो समझदार कंट्रीज़ हैं और जो अपने इंटरनल अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में, इसमें इतने नहीं फंसे हुए, वो क्या कर रहे हैं कि वो अभी से स्टेप्स ले रहे हैं। अब जैसे एक हमारा हमसाया मुल्क भारत, इंडिया ने एक इसी वजह से एक बहुत बड़ा स्टेप लेने का जो है वो प्लान बनाया और इंडिया के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनकी ये स्टेटमेंट है जो काफ़ी जगहों पर पब्लिश हुई है और इसके ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी इसको रिपोर्ट किया है, जिस पे इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 5 ईयर्स में इंडिया का जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी वहाँ पर पेट्रोल का इस्तेमाल, फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि भाई गाड़ियों में अगर पेट्रोल नहीं वो डालेंगे तो वो कैसे इंतज़ाम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये कोई आम छोटी बात नहीं है कि कोई मुल्क ये कहे कि हम जो है अगले 5 साल के बाद तो हम पेट्रोल यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे, हमें नहीं चाहिए होगा ये। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अगर तो कोई कंट्री इतना कर चुका हो काम कि 5 साल के बाद उसको क्लीन एनर्जी पर कन्वर्ट होने में कोई मुश्किल ना हो तो वो ये बात कह सकता है। वो कि ये बहुत मुश्किल है और नज़र ऐसा आ रहा है, चलें हो सकता है कि वो 6-7 ईयर्स उससे ज़्यादा ले लें, लेकिन अगर उन्होंने 5 ईयर्स कहा है तो इसका मतलब है कि उनके पास ये प्लान मौजूद है कि किस तरीके से वो उस पर कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसका उसको फ़ायदा क्या होगा? अब इसका इंडिया को फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कि आपका बहुत पैसा बचेगा,
आप देखें ना, क्या कभी रशिया से कभी कहीं से पूरी दुनिया में जो फ्यूल हम खरीदते हैं उसके लिए पेट्रोल के लिए हम कभी सऊदी, जैसे हम पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया से कहा जाता है कि जनाब ये जो ऑयल है ऑयल की मद में इतना रुपया दे दें, या हमें जो है ऑयल ही दे दें, उधार तेल दे दें, $3 बिलियन का उधार तेल दे दें, ये कर दें, फिर हमें जो है वो कर्ज़ा चुकाना होता है, ये सब चलता रहता है ना। तो सबसे बड़ा जो आपका काम होता है वो ये होता है कि भाई हमने जो है हमें ऑयल चाहिए। अब तेल के उसमें भारत ने फैसला किया कि अगले 5 सालों में ये किस्से ही मुका दो, ये ख़त्म करो, ये चीज़ ही ख़त्म करो कि हमें इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करना पड़े। अब ये कैसे होगा? तो यकीनी बात है कि इसके ऊपर कुछ और भी ऑप्शंस उनके पास होंगे जो इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, जब ये बात की जाती है उसमें कहा यह जाता है कि जो है हाइड्रोजन, बल्कि मैं देख रही थी कि उसमें क्या है, तो उसमें कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऑप्शन ये भी है। आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये नहीं है कि वो क्या इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं है कि भारत ने अगर ये फैसला किया है तो वो क्या 5 साल में कर लेगा या उसको 10 साल लगेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उन्होंने ये सोचा और प्लान किया और पूरा जो है उसका मैपिंग कर लिए कि हम इतने सालों में ये कर लेंगे। अब देखें इससे क्या होगा, ये किस वजह से ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन वॉर कहा जा रहा है कि लंबी चलेगी, और यूक्रेन वॉर के बाद ऑलरेडी दुनिया जो है वो बड़े मसाइल में फंस चुकी है, और उन फिर प्रॉब्लम से कोई ना कोई तो सलूशन आपके पास होना चाहिए, तो लोग जो है इस तरह के सलूशंस ढूंढ रहे हैं। तो बांग्लादेश भी यकीनन आप देखिएगा, ये जो है वो $4.5 बिलियन ले रहा है, वो उसको वापस भी कर देगा उसके, ये जो थोड़ा बहुत मतलब 45 से जो है 39 पे अगर आए हैं तो ये तो दोबारा से जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि आप वो ढूंढने की सलूशन कोशिश तो करें, आप उसकी तरफ तवज्जो देते। हमारा तो ये हाल है कि इकॉनमी है कहाँ भाई, IMF प्लान आ गया, यहाँ पे तो फड्डे पड़ गए हैं, पंजाब हुकूमत तो किसी और के पास चली गई है, और अभी तक जो है वो तो पता ही नहीं है ये किस तरफ से हो रहा है, कौन कर रहा है, और असल में इसके पीछे है कौन, और ये हो क्या रहा है मुल्क के साथ, ये मुल्क को दाव पे क्यों लगाया हुआ है, ये क्या बनेगा। इंडिया के रोड मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, उनका कहना है कि अगले 5 सालों में इंडिया पेट्रोल का इस्तेमाल खत्म कर देगा और पेट्रोल की जगह ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहेंगे, अगर इंडिया ऐसा कर पाता है तो जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या लगता है इंडिया ऐसा कर पाएगा? इंडिया ऐसा कर पाएगा, वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी हुई है। इंडिया इस वक्त भी रूस से तेल भी परचेज कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास मौका था, पाकिस्तान फिर भी नहीं कर सका, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान वैसे ही गुलाम हो चुका हुआ है और पाकिस्तान वैसे ही गुलामी से नहीं निकल सकता। और इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है, वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर भी देन उसने अपना रूस से अपना पेट्रोल भी उसने लिया, और उसके बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसको उसने कम भी किया। देन आगे भी मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी, जितना फास्ट इंडिया हो चुका हुआ, जितना ग्रूम हो चुका हुआ, इंडिया सब कुछ कर सकता है। साहब ये डॉलर की फ्लाइट ख़त्म होगी और अंदर आने शुरू होंगे, बेड़ा तो गर्क कर दिया हर चीज़ का। कई साहब उनकी तसल्ली, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। देखे ना, अगर खुदा ना खासा मेरे पेट में दर्द है, आप बातें करते नहीं तो हमारी दर्द ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मेरा तो रोना है, दर्द ख़त्म करो। ये मेरे दुनिया का वाहद मुल्क होगा यहाँ 4-5 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ना, अब खबर ही नहीं रही। ये हद है बेहिसी की इस स्टेट की, और सॉरी इस निज़ाम की, कि आपके लिए 4 रुपए जो डॉलर अगर आपका बढ़ गई है उसकी कीमत, इसका मतलब पता क्या है, आपकी $80 बिलियन की हमारी इम्पोर्ट्स है। हमारे यहाँ जो हम दुनिया को चीज़ें बेचते हैं उसे डबल हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। सिंपल जुबान में आप समझ लें कि आपने महंगाई का एक एटम बम लोगों के सर पर रख दिया। आपने भी छोटी सी मिसाल दे दी, और जो आपने एक छोटी सी प्रोडक्ट बोली है इसबगोल का छिलका, आपको पता है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। अभी आपके लिए इतला है ये कि आपके जो ऑलरेडी बैंक हैं, तेल की जो LC चली वो 250+ है, और ब्लूबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बड़े आराम से लिख रहा है $275 इन पाकिस्तान। तो जी ये वीडियो ही खत्म, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के इंडिया का तो ये वो रोना ही है भाई, जो आरो दम रोते नहीं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया की तो है लेकिन हमारा तो रोना ही है भाई। तो देखिए इंडिया फ्यूल, गैस फ्यूल, ग्रीन फ्यूल की तरफ जा रहा है भाई। खूब मुझे पूछा था, ये तो गैस तो जो इम्पोर्ट कर सकता उधर से भी, रशिया से भी, और दूसरे मुल्क से भी, ईरान से भी, तो ये खुद कैसे तैयार करो? मैंने कहा वो गैस और है, वो मीथेन है और हाइड्रोकार्बन कंटेन गैस है, और ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और गैस है, और जो हम चूल्हों में घरों में जलाते हैं ये और गैस है।
तो ये जो फ्यूल के तौर पर जिस तरह रॉकेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये रॉकेट्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन। तो ये भी इंडिया अपने आने वाले वक्त के लिए प्लान करता है, उसको करने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी इकॉनमी अब बहुत तगड़ी है, चौथी मेरे ख्याल में या पाँचवीं शायद उनकी कंफर्मी है, दुनिया की चौथी पाँचवीं बड़ी इकॉनमी में से चाइना अपना इंडिया की इकॉनमी है। और उनको मेरे ख्याल में 5 साल नहीं, 10 साल 15 साल के पहले प्लान कर लेने चाहिए, क्योंकि उनके मुल्क में सियासी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो फिर अगले जा सकता है। भाई ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इम्पोर्ट करेंगे, खुद बनाएंगे, ये पेट्रोल, ये भी सोचना कि पेट्रोल से सस्ती होगी कि महंगी पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी और ये खुद भी अपने प्लांट भी लगा के तैयार किए जा सकते हैं। इसको बनाने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, और जो इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं वो भी एक इसमें बहुत शॉर्टेज हो जाएगी, वो सारा कुछ ये भाई मैंने एक कार देखी है जो सोलर पर चलती है, उसके ऊपर प्लेट लगी है, सोलर प्लेट मैंने खुद देखी है, बड़ी बड़ी प्लेट लगी है, उसके जो विंडो है वो भी सोलर प्लेट वाली है, जो उसके ऊपर रूफ है छत है वो भी सोलर प्लेट वाली है, सिर्फ उसकी जो बॉडी ना जहाँ पर उसको बैटरी वगैरह होती है वो ही है, बाकी सारा उसको सोलर ही है। तो जब वो उस पर धूप पड़ती है चारों तरफ से धूप पड़ेगी, साथ साथ चार्ज होती रहेगी, जो साथ साथ चलती रहेगी बगैर कोई ना लाइट की जरूरत है, ना किसी चार्जर की जरूरत है, ना किसी पेट्रोल की जरूरत है, ना किसी फ्यूल की। वो धूप नहीं होगी तो फिर चार्ज करें, बैटरी पर लगाएं, बैटरीज नहीं उसमें मौजूद, बैटरी पर चार्ज करके चलाएं, तो चार्ज करें चलाएं दिन में फ्री में चलाएं। भाई कुछ थोड़ी सी जो माइलेज होगी, कहीं रास्ते पर जाना हो तो वो उतनी तो उसमें बैटरी होगी ना, कि चले जाएगी। हाँ चार्ज करें, फिर उसके बाद चार्ज करें, बैटरी चार्ज करके चलते होंगे ना, बैटरी की भी लिमिट होगी ना कितने किलोमीटर तक होती है उसकी, उसकी लिमिट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखिए वो टोटली हाई सोलर प्लेट्स पर, तो वो सब 40 सोलर प्लेट्स पर है, उसका ना कोई इंजन है, बैटरी है, बैटरी पर उसको चलाया जा रहा है। और इंडिया जो है नए से नए टेक्निक्स पर जा रहा है, और पाकिस्तान तो इस वक्त यार पिछली दफा नहीं, हमने पिछले दिनों में किए थी वीडियो, वो जो खुद सख्त हर आदमी का इंडिविजुअल जो एरोप्लेन वो बना रहे हैं, जो गाड़ी बना रहे हैं हवा में उड़ने वाली, वो हर आदमी के पास, जो मैंने पिछली वीडियो में की थी कि वो एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो उड़ने वाली एक गाड़ी समझे, वो मैं कह रहा हूँ इंडिया तो कमाल कर रहा है पाकिस्तान की, तो यार आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे हम, पाकिस्तान के पास कोई चीज अपनी बना नहीं रहा है, नहीं कंपेरिजन तो कौन चीज बना रहे हैं, बना रहे हैं यार, कैसा बना रहे हैं, पाकिस्तान के हमें सोचना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए, कितनी आवाज उठाए बताए आप, कितनी अभी तक कितनी आवाम को शऊर आया, अभी आवाम तो बहुत शऊर आ रहा है, कब तक ये आवाजें उठती रहेंगी भाई, कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा, असल में कुछ न कुछ आप करके दिखाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। जब कोई अपना 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 फर्ज पूरा करता ना, तो मेरे ख्याल में मुल्क तरक्की करता, हमारा फर्ज है, हम सोशल मीडिया से अटैच हैं, और इसके बाद हम अब निकले हैं आवाम में, निकले हैं दूसरा चैनल बनाया है सिर्फ आवाम को आगाही देने के लिए, आवाम को बताने के लिए कि हमारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या इसका फिर हम, अब अगर हम अपना फर्ज पूरा करते हैं तो वो जिस शोबे से जो भी तलब रखता है, जब वो अपना फर्ज पूरा करेंगे तो मेरा ख्याल मुल्क सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ये कब तक चोरी करते हैं, अब तो कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला, क्योंकि कोशिश तो यही है भाई, ये हर चीज का जो इलेक्शन हुआ है ना, ये मोबाइल के जरिए से वो करप्शन रोकी गई है, भाई लाइव उन्होंने चलाए हुए थे, कोई भी होती है बावजूद भी हुआ है भाई, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर चली एक क्लिप जैसे वो ठप्पे लगा रहे थे मोबाइल के लिए, छह सौ वोट एक बंदा अभी भी कास्ट कर रहा है, वो सीएमएलए का है जो कास्ट कर रहे हैं, एक बंदे ने 600 वोट कास्ट किया, कमाल की बात नहीं, तो फिर उसको हुआ भी कुछ भाई नहीं, बहुत ही करप्शन के बावजूद इमरान खान साहब इतनी सीटें जीत चुके हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये करप्शन हुई है, अभी भी हुई है, जो यार 19 सीटें जीत रहा यार, एक एमपीए नू लीग का जो जीता है ना, उसने खुद बताया कि मैं किस तरह मुझे जितवाया गया है, 19 सीटें वो जीत रहा था शुरू जब इलेक्शन,
काउंटिंग शुरू हुई थी 19 सीटें जीत रहा था, अभी तक भी याद आता, लेकिन काफ़ी हद तक कम होगा। जो पहले वाला होता है रिवाज, पहले वाला सिस्टम होता है, क्योंकि इमरान खान को 8 सीटें मिली, 10 5 या 7 मिली थी अगर पहले वाला सिस्टम होता। जो पहले होता था ना कि जो हुकूमत में होता है वो ही जीतता है। आवाम जाग रहे हैं, ये ना आप करें कि नहीं जाग रहे हैं। ये तो एक इमरान खान साहब ने टर्न तब्दील किया है, जो पहले कहते थे हुकूमत में होता था वो 100% जीतता है। अभी वो आ रहे नहीं जो हुकूमत में होते हैं, टिकटॉकर हैं या ट्विटर से अटैच यंग है, उनको इमरान खान ने क्यों बुलाया था, इसीलिए बुलाया था कि आपने वो जो पिछली को पिछली वीडियो में तारक साहब बता रहे थे ना, देखते हैं कि व्लॉगर या टिकटॉकर को बुलाया है, वो को नाच गाना दिखाने या देखने के लिए नहीं बुलाया गया था, वो इन्हीं कामों के लिए इमरान खान ने उन्हें अलर्ट किया था। भी आप ही ये कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी हुकूमत पे इतबार नहीं कर सकते। जी ये तो वक्त साबित करेगा इमरान खान क्या कर लेता है अगर आ भी जाता है, पहले भी उसको हुकूमत मिले। तो भाई उसने क्या की बात और थी, और उसने ये और अभी आप उस वक्त बता दिया, अब मैं कुछ नहीं बयान दे, तो मैं भी तो तुझे वो ही कह रहा हूँ, अब तुझे वक्त साबित करेगा और ये बंदा साबित करेगा हमसे हुकूमत किस तरह। मैं कहता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तुझे गुस्सा आता है तो तू ना बोल देना। मिलते हैं नए वीडियो में नाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।